डेटा विजुलाइजेशन विथ टैबलू की इस कोर्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर क्यूरी के बारे में। हमने भी टैबलू स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले हमने पावर पिवट के बारे में सीखा जो कि एक्सेल का पार्ट था, ताकि हमें टैबलू में थोड़ा सा जी समझ। और हम बात कर रहे हैं पावर क्यूरी के बारे में। तो पावर क्यूरी में जैसे कि अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमें तो एक्सेल का डेटा सीखना था, हमें तो टैबलू सीखना था, एक्सेल में की जरूरत पड़ गए। तो ये सपोर्ट वर्क करता है, जैसे कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट की एक जी डेटा चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे हमारे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वर्ल्ड बाय कंट्री, ठीक है। यस और यहाँ पे हमारा विकिपीडिया का लिस्ट, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट के वेब पेज पे इस टेबल का डेटा मुझे एनालिसिस के लिए चाहिए। अब इसके लिए आपका टैबलू के लिए यूजर होता तो है, लेकिन फिर भी टैबलू इतनी इतनी अच्छी तरीके से आपको नहीं करके देता है। दूसरा, ये काफी ज्यादा लेट परफॉर्मेंस करता है, राइट जी सर। अब हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, एक्सेल में जाते हैं। और एक्सेल में यहाँ देखिए, डेटा मेनू बार के अंदर में फ्रॉम वेब लिखा होगा, राइट। जी अब इस फ्रॉम वेब को रिस्पॉन्स करेगा सर, टू जी और वो थाउजेंड आपने शायद सेवन में तो अच्छा करता है, 2013 में अच्छा करता है। जब से पावर क्यूरी ऐड कर दी गई है, थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस होती है। इस पे मैंने अपना यूआरएल को पेस्ट कर दिया, देन ओके। अगर वेबसाइट को रीड करेगा, रीड करके जितने भी डेटा टेबल्स है उसकी लिस्ट आपको, इजली ठीक है। यहाँ जी पे आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट है, टेबल जीरो पे देखेंगे तो डेटा है। तो जो डेटा था, ये पूरा डेटा टेबल की परफॉर्मेंस में आपको यहाँ आ गया। टेबल वन भी यहाँ पर है, तो ये इसकी भी आपने सर ये टेबल सेलेक्ट करने के बाद लिंक पेस्ट किया था, कॉपी किया था, या वैसे लिंक डायरेक्ट कॉपी कर लिया हमने कहाँ जब हमने अपना विकिपीडिया से किया ये? अच्छा से, हमने बस लिंक कॉपी किया था, हमें टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत। लिंक, अच्छा, ठीक है। अपने आप आइडेंटिफाई कर दिया कि इसमें कितने टेबल है, इसमें एक ही टेबल है ना, टेबल जो टेबल दिख रहा है आपको, तो उससे अपने आप जी आइडेंटिफाई जी कर दिया। और इसको ठीक हमें है, लोड एंड ट्रांसपोज, सॉरी, लोड एंड ट्रांसपोज हम तब करते हैं जब हमें क्यूरी में एडिट करना होता है, हमने गलती से कर दिया, यहाँ पे सिर्फ लोड एंड करना चाहिए। जैसे कुछ कैलकुलेशन वगैरह हमें करना होता है उसके, यहाँ पे लोड एंड क्लोज यहाँ से भी कर सकते हैं। क्योंकि अब टैबलू के अगर आप चले जाएं, तो जी यहां पे आपको टेबल्स देख लिए, यहां पे ये चीज। अब टैबलू में अगर इसका साइड का डेटा चाहिए आपको, तो
यहाँ पे आपके पास मोड़ पे अगर आप आते हैं तो मोड़ पे आपको वेब डेटा कनेक्टेड होता है। अब इसमें आपको अपने कनेक्टर डेटा की साइड एंटर करना पड़ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे साइड है, दो तीन साइड से मैं दूंगा। इसमें आपका जी कनेक्टर डेटा का साइट यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिखा है ना आपको सर। जी और फिर वो कनेक्टर डेटा आपके आप कनेक्टर वेबसाइट आपके डेटा इस मैसेज वाला पेश कर दिया हमने, उसमें से टेबल एक्सट्रैक्ट करके देगा और फिर उसको आप इंपोर्ट करेंगे। समझे? और वो बहुत ही लंबा, यहाँ क्यूरी दिख रहा है, ये बहुत ही लंबी क्यूरी को टाइम लेगा। ओके ये हमारा देखिए यहाँ पे आ गया टेबल नंबर, रैंकिंग आ गया, वर्ल्ड आ गया। इसमें थोड़ी बहुत अगर मैं छेड़छाड़ करना चाहूँ, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये और इसकी खासियत और भी है कि ये हमारे डेटा से लिंक्ड है। ओके अगर मेरे साइट के पेज पे कल के डेट में कुछ चेंज होता है तो रिफ्रेश जी अच्छा और आपका अपना चेंज हो जाएगा, ठीक है राइट राइट। और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे डेटा डीसी के नाम से ओपन हो गया, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। और यहाँ पे एक्सेल ले लेते हैं, सेव कर देते हैं, राइट। अब देखिए अभी जी तक अच्छा कनेक्टिविटी नहीं हुआ, चलेगा घंटों चलेगा सर। हाँ बहुत दिक्कत होती है सर, साइट अगर सिंपल है तो ले लेगा, देख लेना आपकी 1 मिनट हो चुका है ऑलरेडी, एक्टिविटी कैरी कर रहा है। अब इसको एक बार कैंसिल कर देंगे तो कैंसिलिंग में भी दिक्कत होता है। ओके मैं काफी टाइम इसको यूज किया लेकिन इंपोर्ट करने में दिक्कत हुआ। अब मैंने अपने बेस कनेक्टर को एक्सेल में यूज कर लिया, अब यहाँ पे सिंपल एक्सेल को लिंक करना है, इजी है। जी अब इसका यूज यही नहीं, अब मान लीजिए आप आउटलुक यूज करते हैं सर। हाँ जी अब जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कस्टमर सपोर्ट डेस्क पे है और आपके कस्टमर से मेल आते हैं, पता है वेबसाइट पे जाके कॉन्टेक्ट अस करते हैं, तो जी कॉन्टेक्ट अस में दो चीजें होती है। पहली चीज होती है कि जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपकी किसी डेटाबेस में क्यूरी सबमिट हो जाती है। बहुत सारे वेबसाइट ऐसा है कि वो सबमिट पे क्लिक करने पे वो मेल से इंफॉर्मेशन भेजता है, या फिर बहुत सारे कंपनीज होता है ना कि मेल अस इन्फो एट द रेट केयर कस्टमर केयर एट द रेट प्लाना डॉट कॉम। तो आप मेल करते हैं तो मेल का उनका मेल यहाँ पे चला जाता है। तो मेरे ऐसी एक कंपनी में मुझे बोला गया था कि उनकी जो इनबॉक्स है, इनबॉक्स पे जो मेल आते हैं उनकी एनालिसिस के लिए, जैसे कि वो बोलते हैं कि मुझे एक अलग डिपार्टमेंट बनाना है कस्टमर सपोर्ट में देखने के लिए, तो सबसे ज्यादा किस किस तरह की क्यूरी आती है, कॉमन क्यूरी क्या होता है। टाइटल सबसे कॉमन टाइटल का मान लीजिए कि एक मोबाइल कंपनी है तो सबसे ज्यादा इशू होता है बैटरी का। तो कंपनी अगर कंप्लेन आती है कस्टमर के तरफ से तो बैटरी शब्द का जिक्र होता है कि माय बैटरी इज डिफॉल्ट, माय बैटरी इज नॉट वर्किंग, माय बैटरी इज डू द नॉट बैकअप। तो बैटरी इज अ कॉमन वर्ड। इन शॉर्ट हम कहना चाहते हैं कि मुझे इस पूरी ईमेल जो मेरे इसमें है क्या बोलते हैं इनबॉक्स में है, सेंड आइटम में है, मुझे इसको डेटा फॉर्मेट के रूप में चाहिए, इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। अब क्या ओके टैबलू में कुछ ऐसा है जो कि आप आउटलुक से ले सकें? यहाँ पे देखिए आउटलुक का कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे बैठा ओरिकल है, ओरिकल है या आउटलुक एक्सप्रेस है, आउटलुक तो है नहीं, नहीं क्या है? नहीं यहाँ दिख तो रहा नहीं भाई अब देखा कैंसिलिंग में दिक्कत हो रहा है ना सर, कितना दिक्कत आ रही है कैंसिलिंग में। जी मुझे इसको बंद भी करना हुआ, एंड टच करना हुआ, इसलिए मैं बोल रहा था कि बेस्ट कनेक्टिविटी में
पैरेलल के अंदर में डेटा कनेक्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम यूज करते हैं अपने पावर क्वेरी जो कि एक्सेल। आप समझ में आ गया जी? आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अब टैबलू की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सब चीजें क्यों कर रहे हैं? जी जी चलिए अब हम बात करते हैं कैसे करें। तो इसमें हमारे एक्सेल सब मदद नहीं करता है, राइट सर? ओके, मुझे आउटलुक का डेटा चाहिए, तो आप अगर पावर क्वेरी में भी जाते हैं, डेटा में जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और यहाँ पे फोल्डर है, यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, आउटलुक का जिक्र नहीं है। अब के लिए हम एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं। अब एमएस एक्सेस का एक ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं, और यहां हमारे पास एक्सटर्नल डेटा सोर्स में इंपोर्ट लिंक पर आप जाते हैं, फ्रॉम फाइल्स, फ्रॉम डेटाबेस जी, ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन अदर्स में आप देखिए आउटलुक फोल्डर आपको दिखता है। अब इस पर क्लिक करते हैं। अब इसको यहाँ दो चीजें हैं कि इंपोर्ट सोर्स करना है या किसी पर्टिकुलर टेबल में इंपोर्ट करना है या फिर लिंक क्रिएट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक्सेस को पढ़ेंगे तो और ज्यादा जानेंगे इसके बारे में। अब इसमें आउटपुट चाहिए मुझे आईपीटी इंडिया प्रोफाइल का इनबॉक्स का डेटा चाहिए, या सेंड आउट का डेटा चाहिए, आउटलुक का चाहिए, जर्नल चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या ना? जी नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे बट गया लोकेशन प्रोफाइल सब्जेक्ट आ गया ना, इसका आगे और भी है, फ्रॉम किससे आया टू पूरा आएगा। मैंने आउटलुक जस्ट सेटअप किया है इसलिए मेरे पास कम है। यहाँ तो यहाँ इनबॉक्स में देखेंगे कि आपकी पूरी डेटा, तो मेरे पास तो जस्ट नौ ही है, किसके आईडी आई टू किसको था, रिसीव कब हुआ, मैसेज की साइट क्या है, कंटेंट क्या है, अटैचमेंट है या नहीं है वगैरह, पूरा सेटअप में दिया हुआ। अब जैसा है वैसा चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि इसमें भी हमें कुछ चेंज नहीं करना, इसकी जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट ही करना जी, अब ये थोड़ी बहुत चेंज करना है या थोड़ा एनालिसिस करना है उसके बाद डालना है, तो एक्सेस में एनालिसिस थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा चेंजिंग दिक्कत होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको एक्सेल के अंदर, यहाँ आप देखेंगे फ्रॉम फाइल में जगह पे नीचे फॉर्म डेटाबेस दिख रहा है जी, फॉर्म डेटाबेस में हमारे पास फॉर्म एक्सेस डेटाबेस है। अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट एक्सेस लेना है तो टैबलू में आपको एक्सेस से भी डायरेक्ट लिंक करने का ऑप्शन है, कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इनबॉक्स चीज आई है उसमें थोड़ी सी मुझे चेंज मेंज करना है, फॉर्मूला में थोड़ा सा ट्रिम करना है, तो उसको पहले हम लेके आएंगे कहां पे, एक्सेल में, एक्सेस एक्सेल कैसे लेकर आएंगे, करेंगे इंपोर्ट अब इसके अंदर जितने भी टेबल्स है सेम आ गया, और उस टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसके यहां से अपलोड कर, इसे आगे और भी दिखाऊंगा कि आखिर हम एक्सेस से एक्सेल पे क्यों लिखे हैं। इंटरमीडिएट होगा कि आप अदर सोर्सेज से एक्सेल में डेटा लाओगे, एक्सेस में डेटा को क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग अपने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनाओगे, एंड फिर उससे आप टैबलू में भेजोगे और फिर टैबलू के ऊपर एनालिसिस होगा। ठीक है,
जैसे देखिए आउटलुक का डेटा आ गया, अब इसमें जो भी चेंजिंग वेंजिंग करना है कर ले, और फिर आउटलुक से इसको कनेक्ट, ऐसे टैबलू से इसको कनेक्ट कर, टैबलू से। और अपनी जो अपनी जो भी विजुलाइजेशन तैयार करनी है अपनी विजुलाइजेशन को तैयार कर। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि टैबलू भी नहीं कर पाता है, उसके लिए एक्सेल चाहिए चाहिए। अब जैसे जी कि जी फॉर एग्जाम्पल, और इसमें जैसे बहुत सारे ऑप्शन है कि वर्कबुक है, टेक्स्ट बॉक्स है, एक्सएमएल है, जेएसएन फाइल है। अब यहाँ मैं दिखा रहा आपको फोल्डर या सेवपॉइंट फोल्डर है, सेवपॉइंट फोल्डर है, सेवपॉइंट में कहाँ फोल्डर से कुछ डेटा लेना है ले सकते। तो जैसे कि एक फोल्डर है आपके पास, जी मान लीजिए कि आप एक डॉक्यूमेंट का स्कैन करते हैं, ठीक है, एक जी डॉक्यूमेंट आप स्कैन, मान लीजिए कि स्कैन करते हैं, अब उसका स्कैन जब करते हैं तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप आपको कुछ ऐसा काम होता है जहां पे डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा है, ये समझिए कि मुझे जी लिस्ट ऑफ फाइल है, और लिस्ट ऑफ फाइल या लिस्ट ऑफ फाइल के कोई भी किसी भी तरह का फाइल हो उसके ऊपर कुछ करनी, समझ गए। जैसे जी मेरे पास एक काम एक बार आया था, वो क्या था कि हमें एक मतलब कि स्कूल का काम था हमें, वो तो जी स्कूल को एक डॉक्यूमेंट मिलता था, उस डॉक्यूमेंट की एंट्री वो एक साइट पे करता था, उसकी अपनी सीबीएसई की साइट थी उस पे करता, और फिर उस जो साइट करने जो साइन करने के बाद जो उसकी रिसीविंग मिलती थी उस रिसीविंग को स्कैन करके एक फोल्डर में उसका नाम उसके हिसाब से रख के देता, समझे। जी अब जैसे कि मेरे पास एक काम आया कि उनके पास 1300 स्कूल के बच्चे एम्प्लॉय थे, स्टूडेंट थे, तो उनमें देखना था कि 1300 में से किस किस का सीबीएसई के साइट पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है और किस ओके कब हुआ है, समझे। अब उन्होंने ठीक है कोई डेटा इसके लिए तैयार नहीं किया हुआ था, बस उसकी इनके पास सिर्फ स्कीम की फाइल थी। एक से होल्ड कीजिए, कोई उसके लिए उसने कोई उन्होंने अपना कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर रखा हुआ। और दूसरी चीज वो है सारा साइट पे था साइट पे ही था, जी। सर उनके साइट पे था। अब वो प्रॉब्लम ये था कि माइक्रो जो था वहां पे पूरा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का लिस्ट नहीं देता था साइट, वहां पे जाके आप एक एक स्टूडेंट की लिंक को देख सकते, ठीक ठीक है। अब उनके पास एक स्टूडेंट की लिस्ट जो 1300 स्टूडेंट था, अब 1300 आदमी का वहां पर देखना या फिर 1300 का उनके स्कैन कॉपी से मिलान करना डिफिकल्ट था ना सर। जी तो हमने एक ऑप्शन अपनाया कि हमने यहां पे गया और यहां से हमने फ्रॉम फोल्डर, ठीक ठीक है, अब यहां पे है हमने अपने फोल्डर को सिलेक्ट किया, जो भी फोल्डर उनका है, जैसे मैं वीडियो पे सिलेक्ट कर लिया एंड ओके, तो इसने फोल्डर के अंदर डले हुए सारे आइटम का एक इंफॉर्मेशन दिया। ओके जो कि आपके सामने आ रहा है। अब इस पे एनालिसिस हमें टैबलू पे करना है, तो इसके लिए सेटअप टैबलू पे किसी फोल्डर के डेटा फाइल के डेटा पे एनालिसिस नहीं ना करता है, जी जी तो हमें इस पे चाहिए, क्योंकि हमारा एक माने कि एक आईडी से एक मान जो आपका फाइल का नाम है, जेपीजी इमेज का नाम है, तो ये स्टूडेंट आईडी है। अब स्टेट स्टूडेंट आईडी की अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है इट मींस उनकी डेटा लोडेड है, और कब किया कैसे किया वो है, लेकिन थोड़ा सा आपको लेट के देखे दिख रहा है आपको, हर रिकॉर्ड को वेरीफाई कर रहा है डिटेल्स को ना, दिख रहा है आपको 21 22 23 दिख रहा है आपको। जी 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 जी
और वीडियो फाइल आपकी हेल्प भी होती है, इसलिए सारे वीडियो फाइल करके और फिर ये दे रहा है जेपीजी और बाकी एक्सेल फाइल को तुरंत कर लेता है। ओके तो इसका यूज भी कर सकते हैं। और मुझे ये फीचर पता था तो मैंने उनका पूरा काम विद इन मिनट में कर दिया, समझे, और बता भी दिया कि कितने लोड हुए हैं और डेट वाइज उनकी वीक वाइज कि हाँ किस वीक में इतने लोड हुए हैं, और परसेंटेज भी निकाल दिया कि भाई आपका 13% अभी तक लोड हो चुका है इसमें डेटा, और ये वो फोल्डर से कनेक्टेड भी होगी, आप फोल्डर में कोई डेटा अपडेट होता था और यहाँ पे इसकी डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाती थी। और डैशबोर्ड को मैंने टैबलू में बना दिया तो टैबलू में भी इजीली चलेगा। हेलो हेलो और हो गया देखा मेरा, हेलो हेलो हेलो, अच्छा आवाज आ रही है भाई आपको, हेलो हेलो, ये फोल्डर को कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, हो सकता है इससे कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा इतना टाइम नहीं ले, तो फ्रॉम फाइल में आप एक्सेल वर्कबुक को ले सकते हैं, ये फाइल ले सकते हैं एक्सएमएल, अब एक्सएमएल का डेटा कहाँ से आएगा, टैली, अगर आप टैली यूज करते हैं तो आपका इसमें टैबलू में टैली से कनेक्ट करना आई थिंक नहीं दिया हुआ है, देखा है टैली नहीं है सर उसमें। जी जी एक्सएमएल फॉर्मेट में आप लेके आओगे एक्सेल पे, एक्सेल से टैली ले जाओगे या डायरेक्ट टैली ले सकते हो, जेएसएन फाइल है वहां पे, फोल्डर हो गया, शेयरपॉइंट हो गया, शेयरपॉइंट से उधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस सिस्टम में आए तो डेटाबेस सिस्टम में आप जो है फ्रॉम एसक्यूएल एक्सेस एनालिसिस सर्विसेज जो भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डेटाबेस सर्विसेज है वो सारा कनेक्टिविटी आपको दिया हुआ है, सैप वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है जी दिया हुआ, इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हम एसक्यूएल सर्वर से करते हैं और इससे करते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर तो हम लोगों के पास होता है ना सर। हाँ ओरेकल का यूज फ्रॉम अजूरे, अजूरे पता क्या होता है, नहीं देखिए विंडोज का जैसे कि लाइनक्स जानते हैं आप, जी हाँ लाइनक्स एक डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर, जो सर्वर के इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस सर्वर इस्तेमाल करते हैं ओरेकल वगैरह, तो वो लोग माइक्रोसॉफ्ट सर्वर इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग जो है इस्तेमाल करते हैं लिनक्स, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक अजूरे निकाला हुआ है जो कि लिनक्स के टक्कर में सिक्योर सर्वर है, तो वहां से भी कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं। अदर ऑनलाइन सर्विसेज में जाए तो जैसे कि आपका शेयरपॉइंट लिस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है, डायनेमिक्स 365 ऑनलाइन है आपका, या फेसबुक के जितने भी फीड वगैरह, यहाँ फेसबुक का डेटा भी ला सकते हैं सर, ओके क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना फेसबुक का अकाउंट का पूरा फीड वगैरह हर एक डेटा लेके पेड फीड सब लेके आ सकते, ओके एक्सेल। अभी इसके लिए जाना पड़ेगा पहले डेटा में, डेटा के बाद पावर क्वेरी, किसके लिए पावर पर क्वेरी में, अगर मुझे अभी मैं अपनी एक्सेल में था, आपको डेटा मेनू में गेट डेटा पे क्लिक कीजिएगा, गेट डेटा में आपका सारे फीचर्स है, डेटा में बस गेट डेटा नहीं दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है मैं बस फ्रॉम एक्सेस फ्रॉम वेब, अच्छा फ्रॉम अनदर सोर्स में आएगा क्या, कौन सा एक्सेल का 13 है क्या, नहीं 16, हाँ तो अदर सोर्सेस में आएगा, आपका 13 है, नहीं मेरा ऑफिस 365 है, आप ऑफिस 365 पे नहीं यूज करते, मुझे तो वही 200-300 रुपए पे करना होता है, आपका 13 है, नहीं ऑफिस 365 है, अच्छा ओके हेलो यहाँ पे फ्रॉम नहीं रखिएगा, और यहाँ कनेक्शन में क्या चाहिए आप, तो मैंने बोला मुझे मुझे चाहिए फीड चाहिए डेटा, जो हमने फीड किया है फीड चाहिए,
उसके बाद आपको फेसबुक ऑथराइज करने का ऑप्शन आएगा, ऑथराइज कीजिएगा तो पूरा आपके एक्सेल जो फीड होंगे वो फीड आएगा। यहाँ देखिएगा मी जो है जो ऑब्जेक्ट आई डी होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब बहुत स्लो प्रोसेस करते हैं सर, इसलिए सर ना पढ़ने का मन करता है ये कर पड़ता है ना पढ़ाने का करता है। जो फेसबुक ऑथराइज कर दीजिएगा तो फिर आपका आ जाएगा। ओके ठीक है, तो इसको आप एक बार ट्राई कर लीजिए। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे, कल से कल, हाँ नेक्स्ट क्लासेस में जब हम बताएंगे